हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के इस ब्रांड न्यू सेशन नंबर 14 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर आप इस 14 सेशन में आए हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले के 13 सेशंस का आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आज के सेशन को शुरुआत करने के पहले एक क्विक रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या किया है। तो हमने शुरुआत की साउंड ऑफ लेटर्स से, फिर हमने कॉन्सोनेंट की आवाज़, वॉवेल की आवाज़ को जोड़कर दो अक्षरों का उच्चार कैसे करते हैं वो देखा। फिर इस दो अक्षरों के आखिर में हमने कॉन्सोनेंट जोड़कर थ्री लेटर वर्ड पढ़ना सीखा। इस थ्री लेटर वर्ड को हमने एक चौथा कॉन्सोनेंट जोड़कर उसको फोर लेटर बनाया, और ये भी देखा कि जब दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तब उनका जोड़ाक्षर या कॉन्जॉइंट बनता है। उसके बाद हमने मैजिक की मैजिक वर्ड्स पढ़ के, फिर हम आगे बढ़े और हमने वर्ड्स विद डबल ई और वर्ड्स विद डबल ओ पढ़े, फिर वर्ड्स एंडिंग विद एस एंड वर्ड्स एंडिंग विद वाई। उसके बाद हमने ऐसे शब्द देखे जिनमें दो सेम लेटर साथ में आए हैं, एल एल, एफ एफ, एस एस, और ऐसे दो अक्षर जिनकी आवाज़ सेम है बट अक्षर अलग है, जैसे सी और के, और उनको पढ़ना सीखा। उसके बाद हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन की ओर बढ़े जिसमें हमने वर्ड्स विद कॉन्जॉइंट को पढ़ना सीखा, एस सी, एस के, एस एच, सी एच, टी एच। उसके बाद जितना हमने पढ़ा था उसके बेसिस पर हमने बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ के मैजिक की। उसके बाद हमने ऐसे वर्ड्स देखे जिनकी समाप्ति ई से होती है, वर्ड्स एंडिंग विद लेटर ई, और फिर हम वर्ड्स विद टू वॉवेल्स टुगेदर की ओर बढ़े। और पिछले दो सेशन में हमने वर्ड्स विद टेल किया, पूछ वाले शब्द। 12th सेशन में हमने ऐसे टेल वर्ड्स देखे जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, और 13th सेशन में हमने ऐसे वर्ड्स देखे जिनकी टेल की शुरुआत वॉवल से होती है। तो ये था हमारा आपके साथ का अभी तक का सफ़र। शुरू करते हैं आज के सेशन से जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स। मैजिक यानी कि जादू। हम इस सेशन को मैजिक वर्ड्स क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स, हमने आपको पढ़ाया क्या है अब तक? छोटे छोटे शब्द पढ़ने को सिखाया है। हमने शुरुआत की साउंड ऑफ लेटर्स से, फिर वो दो अक्षर ही बने, तीन अक्षर ही बने, और सब मिला के चार पांच अक्षरों के शब्द हमने आपके साथ पढ़े। तो आपको सिर्फ चार या पांच अक्षरी शब्द ही पढ़ने आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको उतना ही सिखाया है, लेकिन आप हमारे साथ कुछ सेशंस में बहुत बड़े बड़े शब्द पढ़ते हो, और आज के सेशन में आप इतने बड़े शब्द पढ़ने वाले हो। जी हाँ, आप पढ़ने वाले हो, जो कि बड़े बड़े बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत होती है। आज इस 20 मिनट के सेशन के आखिर में आपने ऐसा पढ़ा होगा जिसके वजह से आपके मन में जो इंग्लिश का डर है वो हमेशा के लिए चला गया होगा। आज 20 मिनट के आखिर में जादू होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द जादू, लेट्स स्टार्ट विद मैजिक वर्ड्स। आपके स्क्रीन पर कुछ बड़े शब्द, कुछ नहीं, बहुत सारे बड़े शब्द एक एक करके आएंगे, लेकिन वो टूट टूट के आएंगे। आपको टूटा हुआ हर एक भाग बोलना है, और फिर आखिर में उन टूटे हुए भागों को जोड़कर वो पूरा शब्द एक साथ पढ़ना है। तो स्क्रीन पे शब्द दिखेगा जिसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया है। मैं हर एक भाग को पढ़ूंगा और उसके पश्चात पूरे शब्द को एक साथ पढ़ूंगा। ध्यान से सुनो दोस्तों, टूटा हुआ शब्द मन में पढ़ना है, लेकिन जब पूरा शब्द पढ़ना है तो एक साथ अखंड बिना टूटे पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। बे ने डिक शन, बेनेडिक्शन, डिस फंक शन, डिसफंक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। डबल टी आया, किंतु जब दो अक्षर जिनकी आवाज सेम है साथ में आते हैं तब हम उनकी आवाज एक ही बार लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर फोर, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन। नंबर फाइव, एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन। बीच वाला जो भाग था सी आर वाई पी, मैंने क्रिप क्यों कहा? मित्रों, वाई कभी कभी
आई इस वॉवेल का काम करता है, तो इस बीच वाले भाग में कोई वॉवेल था नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ पाए क्योंकि यहाँ पर वाई ने आई इस वॉवेल की भूमिका निभाई। इसलिए मैंने वाई का उच्चार आई की आवाज के तरह की ई, इसलिए सी आर वाई पी को मैंने कहा क्रिप। नेक्स्ट वर्ड स जेस शन, सजेशन डबल जी था इसलिए आवाज तो मैं एक ही बार लूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से देखो जी ई के पहले आया था इसलिए मैंने जी की आवाज ग नहीं ली, ज ली। और लास्ट वर्ड देखते हैं इस सेक्शन का सब सेक्शन, सब सेक्शन। मैं सारे वर्ड्स एक साथ फिर से पढ़ने वाला हूं, बेनेडिक्शन डिसफंक्शन एट्रैक्शन एफ्लिक्शन एनक्रिप्शन सजेशन सब सेक्शन। सेट नंबर टू, टी यू आर ई, टी यू आर ई का उच्चार होता है चर। पहला वर्ड एक्स पेन डी चर एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट कॉन्जेक्चर कॉन्जेक्चर, नेक्स्ट इन्वेस्टिचर इन्वेस्टिचर, नेक्स्ट सेरिकल्चर सेरिकल्चर, नेक्स्ट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चर कॉन्ट्रैक्चर, सब स्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर, नेक्स्ट डिसकॉम्फीचर डिसकॉम्फीचर, नेक्स्ट फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर। इस सेक्शन का लास्ट वर्ड लेते हैं मिस एड वेन चर मिस एडवेंचर। अभी इस सेक्शन के सारे वर्ड्स में एक साथ पढ़ता हूं, एक्सपेंडिचर कॉन्जेक्चर इन्वेस्टिचर सेरिकल्चर एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्चर सबस्ट्रक्चर हॉर्टिकल्चर डिस्कॉम्फिचर फ्लोरिकल्चर मिस एडवेंचर। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स से, टी आई ए एल से समाप्त होने वाले कुछ बड़े बड़े शब्द देखते हैं। टी आई ए एल का उच्चार होता है शियल। पहला वर्ड है एक्स इज टेंशियल एग्जिस्टेंशियल, नेक्स्ट नॉन एस एन शियल नॉन एसेंशियल, नेक्स्ट पेन इट एन शियल पेनिटेंशियल, नेक्स्ट रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल, नेक्स्ट सब स्टैन शियल सबस्टैंशियल, नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल, नेक्स्ट प्रोविडेंशियल प्रोविडेंशियल, नेक्स्ट एक्स पे री एन शियल एक्सपेरेंशियल, नेक्स्ट प्रे फे रेन शियल प्रेफरेंशियल। मैं इस सेक्शन के सारे वर्ड्स एक साथ पढ़ूंगा, एग्जिस्टेंशियल नॉन एसेंशियल पेनिटेंशियल रेसिडेंशियल सबस्टैंशियल कॉन्फिडेंशियल प्रोविडेंशियल एक्सपेरिएंशियल प्रेफरेंशियल। नेक्स्ट सेट पढ़ते हैं, टी आई ओ यू एस इस टेल से समाप्त होने वाले कुछ भयंकर बड़े बड़े शब्द। टी आई ओ यू एस का उच्चार होता है शियस। शुरुआत करते हैं नॉन इनफेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, नेक्स्ट एम्बिशियस एम्बिशियस, नेक्स्ट एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस, नेक्स्ट एब्स्टेंशियस एब्स्टेंशियस, नेक्स्ट डिसेंशियस डिसेंशियस, नेक्स्ट एक्स
expeditious, expeditious. Next, surreptitious, surreptitious. मैं सारे वर्ड एक साथ फिर से पढ़ूंगा. Non-infectious, ambitious, adventitious, abstentious, dissentious, expeditious, surreptitious. अब हम पढ़ते हैं NESS. इस टेल से समाप्त होने वाले कुछ बड़े शब्द. पहला, namelessness, namelessness. Next, sluggishness, sluggishness. Next, timelessness, timelessness. Next, uprootedness, uprootedness. Next, shamefulness, shamefulness. SHAME, shame, E से समाप्त हो रहा है, E को भूल जाऊंगा और उसके पहले जो वॉवेल आया है उसका नाम लूंगा, आवाज नहीं, इसलिए शेम. नेक्स्ट, seamlessness. पहले भाग में वर्ड्स विद टू वॉवेल, पहला करेगा काम, दूसरा करेगा आराम, इसलिए E का नाम लूंगा और A को भूल जाऊंगा, इसलिए इसको पढ़ा seam. उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड peacefulness, peacefulness. इसमें सी ई के पहले आया है इसलिए सी की आवाज स है, क नहीं. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेडनेस, एक्सपेक्टेडनेस. सारे वर्ड्स एक साथ पढ़ता हूँ. नेमलेसनेस, स्लगिशनेस, टाइमलेसनेस, अपरूटेडनेस, शेमफुलनेस, सीमलेसनेस, पीसफुलनेस, एक्सपेक्टेडनेस. स्टूडेंट्स, अब कुछ MENT से समाप्त होने वाले बड़े शब्द पढ़ेंगे. शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, disagreement, disagreement. Entrenchment, entrenchment. Encroachment, encroachment. इस शब्द में बीच वाले भाग में वर्ड दो वॉवल के साथ आया था इसलिए मैंने ओ का नाम लिया और ए को भूल गया. उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड establishment, establishment. नेक्स्ट वर्ड unemployment, unemployment. इस सेक्शन के सारे वर्ड्स एक साथ पढ़ता हूँ. disagreement, entrenchment, encroachment, establishment, unemployment. स्टूडेंट्स, अब हम LE और ABLE, इन टेल से समाप्त होने वाले शब्द पढ़ेंगे. जब भी कोई शब्द LE से समाप्त होता है तब उस LE का उच्चार होता है अल, और उस अल के आगे अगर B जुड़ गया तो बल, P जुड़ गया तो पल. तो अब हम शुरुआत करते हैं. फर्स्ट वर्ड अनस्क्रैम्बल, अनस्क्रैम्बल. नेक्स्ट, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल. नेक्स्ट, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. नेक्स्ट, इनसेंसिबल, इनसेंसिबल. नेक्स्ट, ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल. मैं ये शब्द एक बार फिर से साथ में पढ़ता हूँ. अनस्क्रैम्बल, इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल, इनसेंसिबल, ऑस्टेंसिबल. अब हम ABLE यानी एबल इस उच्चार से समाप्त होने वाले शब्द पढ़ेंगे. शुरुआत करते हैं चेरिश एबल, चेरिशेबल. नेक्स्ट, डेस्पिक एबल, डेस्पिकेबल. नेक्स्ट, डे लेक्ट एबल, डेलेक्टेबल. नेक्स्ट, एक्स नेक्स्ट, इनी मिट एबल, इनिमिटेबल. नेक्स्ट, इनजेक्ट एबल, इंजेक्टेबल. ये सारे शब्द मैं एक साथ फिर से पढ़ता हूँ. चेरिशेबल, डेस्पिकेबल, डेलेक्टेबल, इनिमिटेबल, इंजेक्टेबल. स्टूडेंट्स, अब हम FUL, फुल, इस आवाज से समाप्त होने वाले कुछ बड़े शब्द पढ़ेंगे. शुरुआत करते हैं डी स्ट्रेसफुल, डिस्ट्रेसफुल. नेक्स्ट, डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल. नेक्स्ट, डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल. नेक्स्ट,
टी स्पून फुल टी स्पून फुल टी ई ए टू वॉवल्स टुगेदर. पहले का नाम लूंगा ई और ए को भूल गया. नेक्स्ट वर्ड सस्पेंस फुल सस्पेंस फुल. नेक्स्ट वर्ड अन सक सेस फुल अनसक्सेसफुल. स्टूडेंट्स सेकेंड वाले भाग में मैंने सी की आवाज क ली, लेकिन तीसरे पार्ट में मैंने सी की आवाज स ली, क्योंकि तीसरे पार्ट में सी के बाद तुरंत ई आ रहा था. अब मैं ये सारे वर्ड्स एक साथ फिर से पढ़ता हूँ. डिस्ट्रेसफुल डिसग्रेसफुल डिसटेस्टफुल टीस्पूनफुल सस्पेंसफुल अनसक्सेसफुल. अब हम आईएनजी यानी इंग इस उच्चार से समाप्त होने वाले कुछ बड़े शब्द पढ़ेंगे. शुरुआत करते हैं ब्लैक मेल इंग ब्लैकमेलिंग. नेक्स्ट लीप फ्रॉग इंग लीप फ्रॉगिंग. LEAP में मैं ए को भूल गया और मैंने ई का नाम लिया. FROGG में भले ही दो जी आए हो, मैं उनकी एक ही बार आवाज लूंगा, इसलिए FROGG का उच्चार मैंने लिया फ्रॉग. नेक्स्ट वर्ड मिस एड जस्ट इंग मिस एडजस्टिंग. नेक्स्ट वर्ड मिस रे कॉर्ड इंग मिस रिकॉर्डिंग. मैं सारे वर्ड्स एक साथ फिर से पढ़ता हूँ. ब्लैक मेलिंग लीप फ्रॉगिंग मिस एडजस्टिंग मिस रिकॉर्डिंग. अब मैं IVE इन तीन अक्षरों से समाप्त होने वाले कुछ शब्द पढ़ूंगा. IVE का उच्चार होता है इव. इस इव के आगे हमने एस लगा दिया तो हो गया सिव, टी लगा दिया तो हो गया टिव. तो शुरू करते हैं. पहला वर्ड कॉम्प्रेहेंसिव कॉम्प्रेहेंसिव. नेक्स्ट इन डिस्टिंक्टिव इन डिस्टिंक्टिव. नेक्स्ट इन ट्रॉस्पेक्टिव इंट्रोस्पेक्टिव. नेक्स्ट नॉन प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव. मैं सारे वर्ड्स एक बार एक साथ पढ़ता हूँ. कॉम्प्रेहेंसिव इनडिस्टिंक्टिव इंट्रोस्पेक्टिव नॉन प्रोग्रेसिव. स्टूडेंट्स अब हम हमारे इस प्रैक्टिस के लास्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम OUS AGE और ATE इस टेल से समाप्त होने वाले कुछ बड़े शब्द पढ़ेंगे. शुरुआत करते हैं OUS के साथ. OUS का उच्चार होता है अस. इस अस के पहले अगर टी आ जाए तो हो गया टस, पी आ जाए तो हो गया फस. तो शुरुआत करते हैं. पहला वर्ड से रैन डी पी टस सेरेंडिपिटस. नेक्स्ट सै क्री ले जी अस सैक्रिलेजियस. नेक्स्ट पॉली मॉर फस पॉलीमॉर्फस. PH का उच्चार होता है फ, क्योंकि वो अस के पहले आया इसलिए मैंने उसको फस कहा. ये तीनों शब्द को एक साथ पढ़ता हूँ. सेरेंडिपिटस सैक्रिलेजियस पॉलीमॉर्फस. बढ़ते हैं AG से समाप्त होने वाले शब्दों की ओर. पहला वर्ड डिस एड वैंट एज डिसएडवांटेज. नेक्स्ट पिल ग्रिम एज पिलग्रिमेज. नेक्स्ट पैक एज पैकेज. साथ में पढ़ता हूँ तीनों शब्द डिसएडवांटेज पिलग्रिमेज पैकेज. लास्ट सेट ATE उच्चार 8 से समाप्त होने वाले बड़े वर्ड. शुरुआत करेंगे पहले शब्द के साथ इल ले जी टी मेट इलेजिटिमेट. नेक्स्ट डिस क्री मी नेट डिस्क्रिमिनेट. नेक्स्ट इन डॉक ट्री नेट इन डॉक्ट्रीनेट. नेक्स्ट एफ फेक शन एट एफेक्शनेट. चारों शब्द एक साथ फिर से पढ़ता हूँ. इलेजिटिमेट डिस्क्रिमिनेट इंडॉक्ट्रिनेट एफेक्शनेट. तो ये रही हमारे आज के मैजिक वर्ड्स इस सेशन की प्रैक्टिस. कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है? तोड़ना अपने मन में है, लेकिन जब शब्द को पढ़ेंगे तब एक साथ कॉन्फिडेंटली अखंड पढ़ेंगे बिना उसे तोड़े.